Hey guys, welcome to my YouTube channel, The Warning Man. I brought a scene part of this side. How are you guys doing? I hope that you guys are doing well and staying safe. तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने आज पढ़ लिया होगा और खुशखबरी ये है कि यस, जो इंडियन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, नाउ दे कैन ट्रैवल टू टर्की विदाउट क्वारंटीन. यूजुअली टर्की में जो क्वारंटीन का पीरियड होता है वो होता है 14 दिनों का, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है इंडियन टूरिस्ट के लिए जो इन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है दोनों डोजेस. ठीक है, WHO अप्रूव्ड वैक्सीन, तो उसके बीच लिस्ट है, मैं आपको WHO की साइट से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं. देयर शुडंट बी एनी कन्फ्यूजन. कोवैक्सीन को अभी कोई अप्रूवल नहीं मिला है WHO की तरफ से. अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप क्वारंटीन करना पड़ेगा 14 दिनों के लिए. 14 दिन का क्वारंटीन रहेगा आपका. इसके अलावा जो 10वां दिन होगा आपका क्वारंटीन का, उस वक्त आपको एक PCR टेस्ट वहाँ पे करवाना पड़ेगा. अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो आपका क्वारंटीन जो है पीरियड ख़त्म कर दिया जाएगा. अदरवाइज आपको 14 दिन का एक्सटेंशन और करना पड़ सकता है अगर 10वें दिन आपने PCR टेस्ट को मिस कर दिया. अब बात करते हैं सिर्फ वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स की, जो लोग जा सकते हैं. आपकी ट्रैवल डेट और जो सेकेंड डोज है उसके बीच में 14 दिनों का गैप होना बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं है तो देन देयर कुड बी सम इश्यूज. इसके अलावा आपको नेगेटिव PCR रिपोर्ट जो है वो करवानी पड़ेगी, विच शुड बी वैलिड विद इन 72 hours बिफोर यू फ्लाई. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो नोटिस है जो कि टर्किश एम्बेसी ने जारी किया है कल, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको. इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए. जो वैक्सीनेटेड हैं, अगर चिल्ड्रन जो वैक्सीनेटेड हैं बिलो द एज ऑफ 12, उनको PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनका एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको. और जो क्रू हैं, जो फ्लाइट क्रू है, उनके लिए ना तो क्वारंटीन है और ना तो कोई PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है. अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए ई वीज़ा इशू किया जाता है, जो कि आप डायरेक्टली टर्किश कॉन्सुलेट की वेबसाइट से कर सकते हैं. लेकिन इसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आई डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा फॉर टर्की और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. लेकिन अब तक के लिए, आज के लिए आपके लिए मेरे पास ये एक अपडेट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट कि मैं को अपने चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहिए. तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, गिव इट अ थम्स अप. अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन नीचे दिया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. बाय बाय.